श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के प्रथम चरण में अयोध्या से आए पूजित अक्षत हल्द्वानी पहुंच गए हैं। इन अक्षतों का दिव्य और भव्य स्वागत किया गया। श्री राम मंदिर से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय तक एक पदयात्रा आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर हिस्सा लिया। पदयात्रा में काफी श्रद्धालु मौजूद रहे और प्रभु राम के जय घोष के साथ वातावरण गुंजयमान हो उठा। पदयात्रा में विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं लोगों ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि आखिरकार इतने सालों बाद राम मंदिर मूर्त रूप लेने जा रहा है और वे काफी खुश है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, आप खुद ही इस चीज़ को महसूस करेंगे कि इतने 500 सालों के संघर्ष के बाद आज हमारे देश में भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हम हिंदू, हर एक हिंदू के लिए ये बहुत ही गर्व का क्षण है, समय है। जो हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया, इतना तकलीफ, इतना दर्द जो देखा, आज हम डेफिनेटली हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आप भगवान राम का मंदिर बनने जा रहे हैं 22 तारीख को। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इतने लंबे समय जब मेरे पूर्वज हैं, उन्होंने किस तरह से एक ध्वंस झेला था जब उस मंदिर के ऊपर इस तरह से कुठाराघात हुआ था, और आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का बात है। इसीलिए ये भव्य यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ से हम लोग सारे लोग भगवान राम जी जय श्री राम के नारे के साथ हम लोग यहाँ से जाएंगे। और पावन और पवित्र मौका है हम लोगों के लिए, तो हम सारे हिंदुओं को, जो भी हमारे राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उन सभी को इस पर्व को, जो कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा होने वाली है, उस चीज़ को भव्यता से हमने मनाना है। और सारे इसमें भगवान राम का जो मंदिर बनना है, भगवान राम को 500 वर्षों के बाद अपना घर मिला है, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। इसमें बहुत राम भक्तों की इसमें वीरगति प्राप्त हुए हैं, तो कार्यक्रम चल रहा है। 1 जनवरी से 15 जनवरी अक्षत भगवान राम के चरणों से आया है, पूजित अक्षत है।